हेलो गाइस, 2 मिनट में कैसे पता करें आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं। इस तरह से आपको कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना। आपको ऑलरेडी मैं कर रखा हूँ क्रोम ब्राउज़र, आपको इस तरह से ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपको यहाँ आ जाना है सर्च कीपैड पे, आपको टाइप कर लेना है UIDAI.gov.in। इस तरह से आपको टाइप कर लेना है वेबसाइट। टाइप करते ही आपको सर्च कर देना है, सर्च करते ही आपको मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह से खुल के आ जाता है बहुत सारे ऑप्शंस। आपको नीचे आ जाना है, आपको नीचे आते ही आपका मिल जाता है आधार सर्विस पे आ जाना। आपको इस तरह से आ जाना आधार सर्विस पे। आधार सर्विस से बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है, यहाँ पे आप आ जाना है वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देना है वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा मोबाइल स्क्रीन पे। आपको सिंपली नीचे आ जाना, यहाँ पे बोल रहा है एंटर 12 डिजिट आधार नंबर, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर जो होता है 12 अंक का यहाँ पे दर्ज कर देना है। सिंपली दर्ज कर देना है। चलो मैं दर्ज कर लेता हूँ। इस तरह से आपको डच कर लेना है। टच करते ही अपना मोबाइल नंबर, जो जैसे कि आपको लग रहा है कि इस नंबर से मतलब आधार लिंक है, तो उस नंबर को यहाँ पे टाइप कर लेना है। सिंपली इस नंबर को टाइप कर लेना है, जैसे कि आपको लग रहा है इस नंबर से लिंक है तो उस नंबर को टाइप कर लेना है। अभी फ़िलहाल ईमेल आईडी को छोड़ देते हैं। इसमें आ जाते हैं जो दिया गया है कैप्चा, इंटर प्लीज़ इंटर वैलिड कैप्चा अपना यहाँ पे फिल करो। जैसे कैपिटल कैपिटल फिल करना है, इसमें इसमें फिल करना है आपको। चलो मैं फिल कर लेता हूँ FTHSR। इस तरह से आपको फिल करके OTP पे क्लिक कर देना आपका। जैसे कि उस मोबाइल में अगर अगर आपको लग रहा था उस मोबाइल से लिंक है तो उस नंबर से आपका OTP आ जाएगा। चलो मैं कर लेता हूँ सेंड OTP पे क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह से क्लिक कर लेना है आपको। इस तरह से क्लिक कर देना आपको। इस तरह से आपका एक मैसेज आ जाता है, आपको मैसेज पे OTP मिल जाएगा। आपको देख लेना है OTP क्या है इसका। इस तरह से आ जाना है। VPC इस तरह से आप आ जाना है। OTP यहाँ पे दर्ज कर देना अपना। VPC आपको दर्ज कर देना है इस तरह से VPC। कैपिटल है तो कैपिटल डालना है, सॉरी कैपिटल डालना है। उससे जो एंक रहेगा उसको डाल देना है आपको। उसके ऊपर SP SP इस तरह से आपको डाल देना है, वेरीफाई कर लेना आपको। एंटर OTP इस तरह से आपको सक्सेसफुल यहाँ पे आपको मिल जाता है द मोबाइल नंबर। सक्सेसफुल यहाँ पे दिखा रहा है रिकॉर्ड। इस तरह से आप कर सकते हो अपना हर चीज़, मोबाइल नंबर कैसे पता कर सकते हो रजिस्टर है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। चलो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इस तरह से आप पता लगा सकते हो अपना हर चीज़, लिंक है या नहीं है मोबाइल नंबर। इस